रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा विधानसभा चुनाव के जरिए सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी और लोगों को आकर्षित कर रही हैं। बीजेपी जहां दोबारा सत्ता पर काबिज होने के लिए जुटी है, वहीं कांग्रेस उसे बेदखल करने के लिए दम लगा रही है। इस बीच चुनाव प्रचार अभियान भी जोरों पर है। आज PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी रैलियों के जरिए अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। PM नरेंद्र मोदी बल्लभगढ़ में बीजेपी की कमान संभालेंगे, यहां वह एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। उधर बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में जोर लगाएंगे। शाह 4 रैलियां करेंगे। शाह टोहाना, एलानाबाद, समलखा और नरनौंद में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। और उधर राहुल गांधी नूह में चुनावी रैली कर लोगों को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी की यह पहली रैली है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद कुमारी सैलजा, हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा तथा पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस रैली में भाग लेंगे। PM मोदी मंगलवार को चरखी दादरी में रैली को संबोधित करेंगे। नवगठित चरखी दादरी जिले में पहली बार आ रहे प्रधानमंत्री की सभा के लिए दादरी महेंद्रगढ़ रोड पर खेतों में करीब 50 एकड़ भूमि का सभा स्थल बनाया गया है। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान होगा, वहीं वोटों की गिनती 24 अक्टूबर को की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC न्यूज। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल, साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।